भाई मुस्लिम देश से हिंदू ही पलायित होकर के आ रहा है, मुस्लिम तो पाकिस्तान से मुस्लिम नहीं आएगा जो पलायित करके जो है, हम आप वहाँ कमजोर हैं इसलिए हम ही आप यहाँ आए। तो 2014 तक अगर जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं हमारे देश में आए हुए हैं उनको नागरिकता देने की बातें चली गई, लेकिन अब इसमें राजनीतिक दलों ने जो उसका जो है ध्रुवीकरण क्या कर दिया, ये नागरिकता नहीं दे रहे, ये तो मुसलमानों को खदेड़ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो उसी से समर्थित ये कागज है और 21 तारीख को 2 बजे से एक गोष्ठी इस पर रखी गई है संस्कृति से संबंधित किदवई नगर, उसमें आप लोग समय निकाल करके आइए। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनका पाटी पूजन जो विद्यारम्भ संस्कार होता है बसंत पंचमी के दिन 11 बजे से रखा गया है, पंडित जी के द्वारा पूजन कराया जाएगा बच्चों का जो 3-4 साल बच्चे हैं, इसमें अगर आपके घर में बच्चे हों आपके मित्रों के बच्चे हों कुछ कागज और दे दीजिए, उनका निःशुल्क जो है पूजन जो है पंडित जी के द्वारा कराया जाएगा, आप लोग इसमें सागर आ। अरे हम चाहते हैं कुछ पत्रक आप लोगों के द्वारा जो है ये जो है दो अपने इष्ट मित्र हों उनको जो है थोड़ा सा दें। हाँ नहीं ठीक है जो है एक पत्रक पढ़े और आपका क्या विचार है कि ये सही है या गलत है। सही है लोग जो है पढ़ने के न कारण से अभाव में बोल रहे हैं, लोग जो है सही जानकारी करना नहीं चाहते, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसी के पीछे जो है लोग जो है सुनने लगे कहने लगे कि जो है ये खराब है या गड़बड़ है नागरिकता छीनी जा रही है, लेकिन वास्तव में इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कारण था कि इसको लाना पड़ा। बच्चे का पाटी पूजन कार्यक्रम हो जाए, बस छोटे बच्चे हों जो 2.5 साल 2 साल 3 साल उनको लेकर 11 बजे आ जाएंगे पंडित जी के द्वारा, एक जो हमारी कार्यक्रम होता है जो हमारे हैं जो है उसमें पढ़ने के पहले पाटी पूजन का एक कार्यक्रम होता है, तो कम से कम जो है बच्चों को शामिल कर लेंगे 2 बच्चे 3 बच्चे, उसके बाद उनके विद्यारम्भ जो है शुरू कर देंगे जो है फ्राइड से, और ये हो जाएगा आपका जनवरी के लास्ट में है उसको है जो है अपने इस मित्रों सहित कुछ बच्चों के साथ आए और जो है थोड़ा सहयोग आप लोग हाँ चले अच्छा।